अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरी कौन बहन और कहाँ से? मैं से बोल रही हूँ जी, फरमाइए क्या। मुझे ऐसे मेरे ना हाथ ऐसे कमते हैं, क्या बोलते उसकी बीमारी का नाम भी नहीं मुझे आता। ठीक है, ये कब से कांप रहे हैं और कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 65 तक है। 65 है जी। और वजन कितना है आपका? वजन मेरा 75 किलो है। 75 kg? kg। अच्छा अच्छा, ये हाथ का, हाथ और पांव दोनों, ये सिर्फ हाथ पांव थे? नहीं, सिर्फ हाथ ही, दोनों हाथ ही ऐसे। अच्छा, कोई चीज उठाओ ना ऐसे ज्यादा ही होते हैं ऐसे कि। अच्छा, ये बताइए क्या आपने कोई कमजोरी वगैरह महसूस करती है? नहीं, मैं तो नहीं करती वैसे, पता नहीं क्यों इस तरह होते हैं। पहले थोड़े होते होते, अभी थोड़े थोड़े ज्यादा आगे से हो गए हैं। मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। वैसे तो एक तो उम्र का तकाजा भी होता है और दूसरा ये एक मौरूसी बीमारी भी होती है। आपके आबाओ अजदाद में किसी को थी ये? क्या? ये एक मौरूसी बीमारी भी होती है, यानी कि आपके आबाओ अजदाद में किसी के हाथ पांव कांपते थे? अच्छा अच्छा, हाँ मेरी मामा अम्मी का था और मेरे नाना अबू का भी। हाँ, ये एक तो मौरूसी बीमारी भी होती है और ये एक एक जो है ना उम्र के लिहाज से भी होती है। तो आपने खुद जिक्र कर दिया कि ये जो है आपके वालिदैन की तरफ से भी है, तो बाकी फिर भी मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाथ कांपते हैं और 65 साल इनकी उम्र है, 75 इनके वेट है, इसके लिए कुछ बतला दें। देखिए जी, एक तो जब आपके एक तो ये आपने जैसा कि जिक्र किया था कि आपके ये आबा व अजदाद में या आपके वालिदैन में ये बीमारी पाई जाती थी, एक तो मौरूसी है, मौरूसी है, उसके असरात होंगे इंशाल्लाह। फिर भी हमारा ये यकीन है कि जितनी बीमारियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारी हैं तो उसके साथ उसकी साथ उसका शिफा भी उतारी है। तो अब उसके लिए आप क्या करें कि रात को सोते वक्त आप जो है क्या करें, मेथी दाना इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। रात को मेथी दाना दूध के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इससे आपके आसाब में तकवियत पैदा होगी। दूसरा अमल ये करें कि सुबह नहार मुँह आप एक अदद काली मिर्च और एक अदद बादाम और एक अदद किशमिश, तीन चीज़ें, एक बादाम, एक किशमिश, एक काली मिर्च, ये सुबह नहार में इस्तेमाल करें। ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके आज़ा में मजबूती पैदा करेंगे। और दूसरा आप ये करें कि हर फर्द नमाज के बाद जो है या कवियल क़ादिरुल मुक्तदिरु, ये भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ या कवियु पढ़ें तो आपको याद रहेगा। अगर मैं आपको मुश्किल, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, या कवियल क़ादिरुल मुक्तदिरु, ये ज़रा मुश्किल है। तो आप क्या करें, या कवियु अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक तस्बीह पढ़ें 100 मरतबा, और अपने आज़ा पर या कवियु जब पढ़ें तो तसव्वुर में ये लाएँ कि या अल्लाह मेरे आज़ा में मजबूती पैदा फरमा ताकि मैं तेरी खूब इबादत कर सकूँ। तो फिर अपने हाथों पर फूंक कर पूरे जिस्म पर फूंक दें, और इसी तरीके से अपने तेल पर, अपने जैतून के तेल पर भी दम करें और इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी ये तकलीफ दूर हो जाएगी।